चैनल पर लगी और भी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। जन्मदाता पिता ने ली 3 मासूम पुत्रों की जान, खुद भी कर ली आत्महत्या, क्षेत्र में फैली सनसनी। पालघर जिले के नाला सुपारा पूर्व शहर अंतर्गत तुलिंग पुलिस थाना क्षेत्र में एक पिता ने अपने 3 बच्चों का गला रेतकर नृशंस हत्या कर देने की घटना सामने आई है। इस घटना के बाद आरोपी पिता ने अपने भी जीवन लीला समाप्त कर दिया। तुलिंग पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। आगे की जांच जारी है। नाला सुपारा पूर्व के बबलूपाड़ा इलाके में, जिसमें श्वेता कॉलोनी वेलफेयर सोसाइटी नामक चाल बनी है, में रहने वाले 35 वर्षीय पिता कैलाश विजू परमार ने रात में अपने 3 बच्चों की गला रेतकर हत्या कर दी। एक पिता द्वारा क्यों अपने ही जिगर के टुकड़ों की हत्या की गई, इसकी वजह का पता नहीं चल पाया है। लेकिन 12 वर्षीय नयन, 7 वर्षीय नंदनी और 3 वर्षीय नैना का आखिर कसूर क्या था, जिसकी वजह से हरदम सुरक्षा प्रदान करने वाले पिता ने ही उनकी जीवन ज्योत बुझा दी। बहरहाल पुलिस ने इस घटना के पीछे की गुत्थी सुलझाने में घटना की कड़ियों को जोड़ने की कोशिश शुरू कर दी है। खुद पालघर पुलिस अधीक्षक दत्तात्रेय शिंदे ने भी घटनास्थल का दौरा कर मीडिया को जानकारी साझा की। सूत्रों के हवाले से प्राप्त जानकारी के अनुसार मारने वाला पिता कैलाश की बीवी और मासूम बच्चों की मां के हादसे के दौरान घटनास्थल पर मौजूद न होना अपने आप में सवाल काफी बड़ा सवाल पैदा करता है। आगे वीडियो में सुनिए पालघर जिला पुलिस अधीक्षक का बयान। सेफ न्यूज लाइव के लिए नालासोपारा से यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत आज एक अत्यंत हृदयद्रावक घटना घडलेली आहे, ज्यामध्ये एकूण 4 व्यक्तीचं जीवन संपलेलं आहे आणि त्यामध्ये असं लक्षात आलेलं आहे की फिर्यादी विजू परमार यांनी अशी तक्रार दिलेली आहे पोलीस स्टेशनला की ते 4 वाजता त्यांचा मुलगा जो कैलाश परमार आहे याला बोलवण्यासाठी गेले होते चहा पिण्यासाठी। कैलाश परमार हे त्यांच्या 3 मुलासहित बाजूच्याच जवळपासच्या एका खोलीमध्ये ते राहतात आणि लसूण विक्रीस त्यांचा व्यवसाय आहे। 4 वाजता ते कैलाश परमार यांना चहा पिण्यासाठी बोलवायला गेले होते, परंतु कैलाश परमार यांनी सांगितले की मुलं आणि मी झोपलेलो आहे, नंतर येतो। आणि 8 वाजता जेव्हा वडील तिथे गेले तर त्यांना ते दरवाजातून बंद दिसला, त्यामुळे तो दरवाजा ठोठावला, दरवाजा उघडला नाही म्हणून त्यांनी बाजूचे दुसरे जे रमेश म्हणून त्यांचे मित्र आहेत त्यांनाही बोलवलं। मग तिथले त्या गल्लीमधल्या आजूबाजूच्या लोकांनी मिळून तो दरवाजा ठोकून उघडला आणि त्यानंतर लक्षात आलं की आतमध्ये कैलाश परमार हे रक्ताच्या थरोळ्यामध्ये पडलेले आहेत आणि त्याची 3 मुलं जी आहेत त्या 3ही मुलांच्या गळ्यावरती वार आहेत, अशी अत्यंत क्रूर हत्या त्या लहान बालकांची झाल्याचं विजू परमार यांना लक्षात आलं होतं। त्यानुसार पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाली, पोलिसांचे सर्व अधिकारी त्या ठिकाणी गेले। आता सध्या पोस्टमार्टमसाठी सर्व बॉडीज पाठवलेले आहेत आणि विजू परमार यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून त्यांचा मुलगा जो कैलाश परमार आहे याच्यावरती खुनाचा गुन्हा दाखल करण्याची कारवाई करण्यात येत आहे। घटनेचं कारण काय आहे, कशासाठी ही घटना घडली? फिर्यादी विजू परमार यांनी सांगितलेलं आहे की त्यांचा मुलगा कैलाश परमार याला सोडून 1.5 महिन्यापूर्वी त्यांची सून ही तिथून निघून गेलेली आहे आणि आज कैलाश परमार यांच्याकडे असं त्यांच्या निदर्शनास आलं की दुसऱ्या कोणत्या तरी व्यक्तीच्या फेसबुक अकाउंटवरती अनिता हिचे फोटो आहेत आणि त्यामुळे तो डिस्टर्ब झाला होता, अशी प्राथमिक माहिती आहे। अधिक तपासाला आहे, सुरुवातीला आता प्राथमिक माहिती प्रमाणे कैलाश परमार यांनी मुलांची हत्या केल्याचं प्राथमिक दृष्ट दिसून येते। काय हा, त्या रूममध्ये एका वरच्या आडूला एक साडी लटकवलेली दिसलेली आहे, ज्याची सर्व सविस्तर घटनास्थळ पंचनामा करण्यात आलेला आहे आणि त्यानंतर
कैलास परमार यांच्या पण गळ्यावरती वार आहे. तिथं त्या घटनास्थळावरून ते चाकू जो आहे तो हस्तगत करण्यात आलेला आहे. एकतर मुलं सगळी झोपलेली होती असं त्यांचे फिर्यादींचं म्हणणं आहे, बिजू परमार यांचं म्हणणं आहे की ते मुलं झोपलेली होती म्हणून. लहान मुलं आहेत रानेशी, किस घटना के बारे में आपको क्या पता है, किस तरह से यह घटना हुई कुछ जानते हो? पहले तो मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन उसका रिलेटिव जो अभी मर्डर हुए थे डैडी आ गए थे, उन्होंने ज्यादा दरवाजे से भी तोड़ा, बच्चे लोग को देखने के लिए आए थे. चार बजे उन लोगों के पास ही था, तो अभी 7:30-8 बजे वो आ गए इधर, तभी दरवाजा बाजू वाले के साथ से तोड़ दिया, तभी पता चला कि अंदर हत्या हो गई. कितने साल से परिवार यहाँ पर है? ये 3 साल से घर है, 3 साल से कभी है, लेकिन अभी इतना तो हैवी डिपॉजिट पे इन्होंने ले लिया था भाड़े से रूम, तो अभी भाड़ों से भी अभी इधर है नहीं उस समय. क्या काम लोग का काम है? वो छोटा मोटा लहसुन बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं, रोड पे ऐसा काम करते हैं, वो आदमी कुछ काम नहीं करता था, बच्चे को ही काम करता था, तो वैसे औरत ही करती थी. तो अभी औरत ये लॉकडाउन में 4 महीने से इधर घर में नहीं रहे, तो उसके माँ बाप और उधर खाना, बच्चे का खाना देना हो उधर से आते, या उधर जाके खाते, इधर खाली सोने के लिए आते. परिवार में कौन कौन लोग थे? बाप और 3 बच्चे थे. कितने साल के थे बच्चे, कुछ जानकारी? बड़ा बच्चा है 9 साल का था, दूसरा लड़की है 6 साल की, तीसरी भी लड़की है वो 3 साल की है.